एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है मेरे YouTube गेस्ट चैनल में। और आज मैं आप लोगों के सामने एक बड़ा ही रोचक प्रसंग लेकर आया हूं। मुझे उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये प्रसंग जो है, ये जो चीज़ मैं आपके सामने परोसने जा रहा हूं, ये निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा और आपकी जानकारी में थोड़ी बहुत वृद्धि होगी और जान पाइएगा कि हमारा इतिहास किस तरीके से था, कैसे कैसे उसमें आविष्कार हुए, कैसे कैसे उन दिनों के लोग काम चलाया करते थे। तो हम कुछ विशेष नहीं, हम आज बात कर रहे हैं, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये किरोसिन फैन है जो कि 1885 के पहले इसकी इजाद हुई थी, इसका आविष्कार हुआ था तकरीबन 1835 के आसपास, 1835 के आसपास इसका आविष्कार हुआ था। और तब से जो है हमारे पहले के लोग, विशेष रूप से ब्रिटिश लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी स्थापना करी थी और वहीं से जो है इसकी यूजेस जो है वो बढ़ती चली गई। और इसके बाद आज़ादी के कुछ दिनों बाद तक इलेक्ट्रिक फैन तो आ गए थे बट ये भी काम कर रहा था। साथ ही साथ आपने शायद सुना होगा कि उस समय, मतलब 1939 ईस्वी के आसपास इंट्रोड्यूस हुआ था रेफ्रिजरेटर भी, किरोसिन फ्रीज, वो भी किरोसिन से चला करता था। फैन तो किरोसिन से चलता ही था, हीटर किरोसिन से चलता था, गीज़र वगैरह जो है वो किरोसिन से चलता था। इस तरीके से बहुत सारे अप्लायंसेस जो हैं उस समय इजाद हुए थे जो किरोसिन से चलते थे। तो आज इसी सेगमेंट में आपके पास मैं ये रखा हुआ हूँ जो किरोसिन फैन है, किरोसिन से चलता था, कैसे चलता था ये, कितनी स्पीड थी इसकी और क्या कंबशन था, कितना एक लीटर किरोसिन में कितने देर तक चलता था। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे आज आप लोगों के सामने। मैं आपका होस्ट गणेश झा, यही ये किरोसिन फैन, किरोसिन फैन आपके सामने लेकर आया हूं मैं, जो शायद आपको अच्छा लगे और आपको एक नई चीज जानने को मिले। तो मैं आपसे चर्चा करता हूं इस पर कि ये किरोसिन जो फैन है ये चलता कैसे था, ये काम कैसे करता था। तो आप जैसा देख रहे हैं कि मैंने एक फिगर बनाया है, एक रफली फिगर है, ये बहुत स्पष्ट नहीं है बट रफली है, समझने लायक तो जरूर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक टैंक बना हुआ है, ये टैंक जो है वो ये थोड़ा सा गोला हो गया है, इसको आप थोड़ा कर्व कर सकते हो क्योंकि ये नीचे बैठना है इसको, तो ये कर्व हो सकता है ये ऐसे करके जी। तो ये जो है एक टैंक है जिसमें किरोसिन रखा जाता था, ठीक है, और इसके बाद जो है ये किरोसिन रखने का होल है, ठीक है, और ये किरोसिन इसमें पूरा का पूरा मतलब नीचे भरा रहता था, इसका नीचे भरा रहता था। ये बर्नर है यहाँ पे, वो जैसे हम लोग लैंप लालटेन जलाते हैं, लालटेन का युग तो अब ख़त्म हो गया, बस लालटेन जो है पार्टियों के ऑफिस में लगी रहती हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो ये जो है बर्नर से जलता था और इसके बाद होता क्या था, यहाँ पे जो है पोर्स हुआ करते थे, यहाँ पे पोर्स मतलब छिद्र यहाँ पर हुआ करते थे, छोटे छोटे छिद्र हुआ करते थे जिससे कि हवा जा सके, ऑक्सीजन की मात्रा भी जा सके, जलने में कंबशन में जो है वो सहायक हो। तो ये पोर्स हुआ करते थे और यहाँ से ये जो सिलेंडर टाइप का जो पाइप है, मतलब ये जो है सिलेंडर, तो ये जो है यहाँ से हीट और स्मोक, ये जो है हीट और स्मोक जो है वो साथ साथ एक साथ जाता था। यहाँ पे एक कंडेंसर टाइप का जो है कंडेंस इसमें होता था, वो स्मोक और हीट, और ये कंडेंस होके और ये यहाँ पे ये रीजनरेशन करके, रीजनरेटर इसको कहिए, जनरेशन मत कहिए, रीजनरेटर, ये रीजनरेटर यहाँ पर हुआ करता था। और ये जो है पिस्टन हुआ करता था और पिस्टन जो है ये जो कंडेंस होके जो ऊष्मा जो ऊपर की तरफ जाती है, स्मोक जो ऊपर की तरफ जाती है, जो कंडेंस होके जो है, और ये रीजनरेटर है, यहाँ से ये शक्ति जो है पावर जनरेट करता था, जिसकी वजह से ये पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे एक दूसरे को धकेलता था और धकेलने के कारण यहाँ पर एक छोटी सी पाइप, पतली जो है, जैसे मोटर में हम देखते हैं अमूमन जो पंखे वगैरह होते हैं इसमें लग फंसे होते हैं पत्तियाँ, ब्लेड्स, तो ये जो है यहाँ पर लगी हुई होती थी और ये जो पिस्टन ऊपर नीचे जो करता था, तो जैसे जैसे ये फ्लेम बढ़ता था, जैसे जैसे स्मोक जो है बढ़ता था, ऊष्मा का मान बढ़ता, मात्रा बढ़ता था, वैसे वैसे जो है पिस्टन की गति जो है बढ़ती थी। और बढ़ने के साथ साथ ये देख रहे हैं ब्लेड्स जो लगा हुआ है, ये ब्लेड्स हैं,
ये ब्लेड्स हैं, पत्तियां हैं, तो ये जो है पत्तियां नाचती थी और इसमें जाली लगी हुआ, मतलब जाली लगा हुआ करता था पहले, ताकि बच्चों का या किसी प्रकार किसी भी व्यक्ति का हाथ इसमें न चला जाए या फिर कट ना जाए, क्योंकि उस समय प्लास्टिक की तो कोई बात थी नहीं, उस समय जो भी थे वो सब जो है वो पत्थर के, मतलब लोहे के बने होते थे। तो इस तरीके से जो है ये सारा काम किरोसिन फैन करती थी। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि एक लीटर किरोसिन में ये फैन जो है, एक लीटर किरोसिन में दो दिन चला करते थे ये फैंस, यानी टू डेज में एक लीटर मात्र खपत हुआ करता था किरोसिन। और ये पंखा जो है बहुत आराम से, ये टेबल फैन है, ये जो आप देख रहे हैं ये एक टेबल फैन है, जिसको हम बोल सकते हैं किरोसिन टेबल फैन, किरोसिन टेबल फैन आप इसको बोल सकते हैं। तो ये इस प्रकार से उन दिनों लोग गर्मी से निजात पाते थे, गर्मी जैसे आज हम लोग पंखा चला रहे हैं, एसी है वगैरह, कूलर है, मतलब सो मेनी थिंग्स जो है वो हैं जो हीट से हम लोगों को बचाए रखती हैं, जो हम लोगों को थोड़ा ठंडा रखती हैं। उन दिनों ऐसी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी जिससे लोग निजात पाते थे गर्मियों से। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से काम करता था, और ये वीडियो आपने पहले देखा है कैसा हुआ करता था, वास्तविक रूप उसका कैसा था। और आपको एक बात जानकर और आश्चर्य होगा कि इन दिनों वो जो किरोसिन फैन हुआ करती थी उस समय, उसकी एक जो किरोसिन फैन की कीमत आज के डेट में है वो तकरीबन आज के डेट में, मैं आपको बता दूं, 400 से 700 यूरो जो है वो इसकी कीमत आज के ज़माने में है, एक किरोसिन फैन की कीमत, क्योंकि ये एंटिक हो गई है चीज़, इसलिए इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है। वैसे आप इसको घर पर अगर बनाते हैं बहुत इजीली बन जाता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, घर पर बना सकते हैं आप। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इसकी जो सामग्री होगी कैसे इसको बनाया जा सकता है घर पर, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसके सहायता से बना सकते हैं। तो ये एक नई चीज़ आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है, शायद आप सभी लोगों को ये चीज़ अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो कृपया मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे और इसको लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने कीमती समय दिया अपना देखने के लिए। मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँगा नई वीडियो को लेकर, नए प्रसंग को लेकर। तब तक के लिए